नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य अंधकार में। शासकीय प्राथमिक विद्यालय राजाबाग चमरोवा का स्कूल खुलता है शिक्षक की मनमर्जी से। स्कूल के बाहर बैठकर नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं विद्यालय के शिक्षक के आने का इंतजार। बच्चे बोले, 3-4 दिन से स्कूल खुला ही नहीं, हम तो रोज आते हैं स्कूल पढ़ने पर शिक्षक आते ही नहीं। मध्य प्रदेश शासन कितने ही शिक्षा के प्रति प्रयत्न कर ले, पर मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ने की जगह गिरता ही जा रहा है और नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि खरिया थाना जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक विद्यालय राजाबाग चमरोवा स्कूल के शिक्षक मनमर्जी से खोलते हैं विद्यालय। आपको बता दें कि अगर शिक्षक को समझ में आया कि आज स्कूल खोलना है तो स्कूल खोल लिया जाता है, और अगर शिक्षक के मन में आया कि आज स्कूल नहीं खोला है तो फिर बच्चे शिक्षक स्कूल के बाहर बैठे बैठे इंतज़ार करते रहते हैं। और शासकीय प्राथमिक विद्यालय राजाबाग चमरोवा का स्कूल नहीं खुलता है, ऐसे ही आज ग्रामीणों के द्वारा हमारी टीम को सूचना दी गई थी। शासकीय प्राथमिक विद्यालय राजाबाग चमरोवा का स्कूल नहीं खुलता है, ऐसे ही आज ग्रामीणों के द्वारा हमारी टीम को सूचना दी गई थी। शासकीय प्राथमिक विद्यालय राजाबाग चमरोवा का स्कूल नहीं खुला है और बच्चे स्कूल से दोपहर 3 बजे तक शिक्षक के आने का इंतजार कर रहे हैं और स्कूल बंद है। जब हमारी टीम ने विद्यालय पहुंचकर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से स्कूल के शिक्षक सुभाष जैन का पूछा तो बच्चों ने बताया कि शिक्षक आते ही नहीं हैं और करीब 3-4 दिन से विद्यालय खुला ही नहीं है। बच्चों से बात करने के बाद जब स्थानीय लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि ये इस विद्यालय के शिक्षक मनमर्जी के मालिक हैं, जब मर्जी में आया तो स्कूल खोल दिया, अगर मन में आए स्कूल की नहीं खुलना है तो नहीं खोलते हैं। ऐसे ही आज स्कूल नहीं खुला है और इसके करीब 2-3 दिन पहले से भी स्कूल बंद है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की पर शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उमेश, स्कूल नहीं खुलो तुम आओ, दो चार दिन तो खुलो ही नहीं है। मार साहब कहा ना हो, सुभाष मार साहब हैं, कई दिन से नहीं आए, आए ही नहीं है। तो ये अब तुम कब से बैठे थे, सवेरे से? मैं सवेरे से बैठे, अबे क्या बज गए पता है तुम्हें? 2 बज गए। बेटा का नाम है पवन। बेटा तुम स्कूल में बैठे हो तो तारो लोगो मार साहब नहीं आया, आज नहीं आए मार साहब, वो का नाम है सुभाष मार साहब है। स्कूल कब से नहीं खोलो, कितना हो गए, कितना हो गए? 2-3 दिन हो गए स्कूल खोलो नहीं है। इतना तुम्हें रोटी मिला था खावे, मिला था स्कूल में, कब मिली थी, कब मिली थी? पहले मिला थी, अब नहीं मिली, अब मिलूगा जब स्कूल खोले जब। बेटा का नाम है पवन। बेटा तुम स्कूल में बैठे हो तो तारो लोगो मार साहब नहीं आया, आज नहीं आए मार साहब, वो का नाम है सुभाष मार साहब हैं। स्कूल कब से नहीं खोलो, कितना हो गए, कितना हो गए? 2-3 दिन हो गए स्कूल खोलो नहीं है। इतना तुम्हें रोटी मिला था खावे, मिला था स्कूल में, कब मिली थी, कब मिली थी? पहले मिला थी, अब नहीं मिली, अब मिलूगा जब स्कूल खोले जब। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम संग्राम सिंह लोधी। संग्राम सिंह जी, ये स्कूल है ये राजाबाग, ये क्यों नहीं खुला है? ऐसा ही कभी कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता है। जब से स्कूल खुले हैं तब से कितनी बार अभी स्कूल खुल गया है? सप्ताह में 2-4 बार खुल जाता है, 2-4 बार बंद हो जाता। अभी ये बच्चे बैठे हैं ये कब से बैठे हैं, सुबह से ही बैठे हैं? सुबह से ही आते हैं, ये तो डेली आते हैं बच्चे। तो स्कूल में ताला लगा है, स्कूल में आप देख रहे हैं ना। आप लोगों ने ये जो परवा है यहाँ के लोगों ने इनकी शिकायत नहीं की गई क्या? कोई नहीं सुनता है शिकायत करने से, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। भैया महेंद्र सिंह लोधी।
महेंद्र सिंह जी, ये जो स्कूल है शासकीय प्राथमिक विद्यालय राजावाड़, ये क्यों नहीं खुला है? साहब ऐसे कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, टाइम से कभी मास्टर नहीं आते हैं, बच्चे आते हैं सब लेट हो जाते हैं, कभी कभी खुलता है। ये बच्चे जो अभी बैठे हैं ये कब से बैठे हैं? बच्चे 2 घंटे होगा, 2-3 घंटे स्कूल के समय से बैठे। हाँ, इन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं आप लोग? साहब उनकी कोई सुनता नहीं है, गरीब लोग हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, बात तो ये है नहीं। हाँ, क्योंकि पढ़े लिखे होते उनके माँ बाप तो भी कहीं भी जाते, बात तो ये है कि मैंने के लोग सुनते नहीं हैं, उनकी सुबह जाती नहीं है, कहीं क्या होता है सुने कहें। माँ बाप अनपढ़ हैं, ऐसे ही बच्चे उनको अनपढ़ रहना चाहिए, काहे के जी कहते हैं माँ लोग, क्या करें।